गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ जाओ जल्दी से सभी। आपका क्लास शुरू हो चुका है, DLED का 4th सेमेस्टर, सुबह के 6 बजे। और ये क्लास आप देखते हैं सप्ताह में 3 दिन, जिसमें बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को ये क्लास होती है, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को सुबह 6 बजे से लगभग 6:30 बजे तक। उसके जस्ट बाद होती है DLED का 2nd सेमेस्टर, यानी कि 4th सेमेस्टर के बाद में 2nd सेमेस्टर, और जब 3rd वाला होता है तो 1st होता है उसके साथ में। इस तरह से आपकी 4 सेमेस्टर की क्लास होती है। और 8 बजे से कक्षा 10 NCERT मैथ होती है, बाकी और सारे टाइम डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास 4th सेमेस्टर में, जिसमें आप जानते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक होगा घन का आयतन, मतलब व्यवहारिक रूप में जो प्रश्न आपको मिलते हैं विस्तृत रूप में, बड़े बड़े क्वेश्चन, उनका आंसर देखेंगे। छोटे छोटे तो आप लोगों ने घनमूल निकालना, वर्गमूल निकालना, ये सब पिछली क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया है। तो आप जानते हैं घन का आयतन बराबर अगर किसी से पूछें तो बताएंगे कि भुजा का क्यूब होता है, या फिर आप ए का क्यूब कर देते हैं अगर भुजा को ए मान लें तब। लेकिन ये आता कैसे है? देखिए, इसको आने के लिए हम आपको यहाँ पर चित्र बना के दिखाएंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। तो जैसे कुछ लोगों को बनाने में दिक्कत होता है, तो पहले आप क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे, एक वर्ग बनाएंगे। ये देखिए एक वर्ग बन गया। अब वर्ग तो बनाना हर किसी को आता है, ये 2D जो है सेफ है ना। 3D सेफ बन जाएगा अगर आप क्यूब बना देंगे तो। इसमें आप एक वर्ग और बना देंगे, इसी में, इसी के अंदर में एक वर्ग और बना देंगे। अब फिर मिला देंगे इनकी भुजाओं को, तो ये बन जाएगा आपका घन। जैसे मिलाने के लिए देखिए, ये इसको इधर मिला दिए, इसको इधर मिला दिए, इसको इधर मिला दिए और इसको इधर मिला दिए। जैसे आपने देखा होगा माचिस की डिब्बी या चाक का डिब्बा, वैसे एक प्रकार से इसको भी देख सकते हैं, लेकिन ये आयताकार है, मतलब स्क्वायर के रूप में नहीं है, है ना। तो इसमें कितने फेस होंगे, इसमें कितने फेस होंगे, छोटी क्लास में सिखाया जाता है। देखिए इसमें 6 फेस होंगे, कैसे, इसको देखिए उसके एग्जाम्पल में। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, 6, है ना, 2 इधर और 2 इधर, 4 और 2 इधर, 6, बात समझ में आई। तो इसका अगर हम आयतन निकालें तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं किसी भी चीज़ का अगर आयतन निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई दोनों का गुणा करते हैं, बस इतना ही करना होता है। तो इसमें देखिए, अगर हम भुजाओं को मान लें तो आप ए मान लो या बी मान लो या सी, मतलब कुछ भी आप मान लीजिए, लेकिन उसमें ए मानते हैं क्योंकि आप इसे ए, मतलब वैसे आर्म्स भी होता है, ARMS, है ना, होता है भुजा से रिलेटेड, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं इसमें ए, इन भुजाओं को हमने क्या मान लिया, ए। आप दूसरी ऊंचाई को भी ए मान लीजिए और साइड वाली भुजा को भी ए मान सकते हैं। जैसे ऊँचाई में इसको हम ए मान लिए, मतलब ये जो आपका ऊँचाई वाला भुजा है, इसको आप कहीं भी ए लिख लीजिए। ये हो गया आपका आधार और ऊंचाई में। इधर साइड में भी आप मान सकते हैं इस तरह से, आधार और ऊंचाई यहाँ पर हो गया। देखिए आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। क्षेत्रफल क्या होता है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को कहते हैं। अगर परिमाप बोलें तो परिमाप में चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में लंबाई एक लेते हैं, चौड़ाई एक लेते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं। तो आयत का अगर इसमें आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पहले सूत्र लिख लीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ऊंचाई को साइड में वैसे लिखे रहिए, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करिए, ध्यान से देखिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा, सूत्र रटना नहीं पड़ेगा, यहाँ से आ जाएगा निकल के आपके सामने, आप मैथ में मास्टर बन जाएंगे अगर अच्छे से सीखेंगे तो, ठीक। तो लंबाई ए है, चौड़ाई भी ए है, अगर यहाँ देखें ऊंचाई की बात करें तो वो भी ए है। इस तरह से जो सबका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा ए का क्यूब। अब आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल ए का क्यूब, यानी कि जो घन का आयतन है वो ए का क्यूब होता है, बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ध्यान से देखना और पूरा देखना। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर आपका आ चुका है, पहला नंबर, ध्यान से देखना इसको और पूरा देखना अगर समझना है तो। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा कि बर्फ़ की एक ठोस आयताकार सिल्ली,
बर्फ की सिल्ली आप लोग देखे होंगे, आपके आसपास आप देखते होंगे शादी ब्याह में बर्फ आता है, कहते हैं बर्फ की सिल्ली आई है ना, बर्फ की सिल्ली चली दिल्ली, ऐसे कुछ एक कविता टाइप का भी था, धनिया मटर बनी या बिल्ली, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो बर्फ की सिल्ली कैसे होता है, आयताकार या फिर वर्गाकार, कुल मिला करके वो 3D शेप में ही होता है। तो मान लेते हैं कि हम इसको एक बना देते हैं, चलिए बर्फ की सिल्ली, ये देखिए इधर हमने क्या किया, एक यहाँ पर सिल्ली बना दिया। इसमें क्या कह रहा है कि धातु की एक आयताकार सिल्ली है, मतलब वो आयत आकार की है। तो इसमें 3D में ही ये भी बनेगा, इसको आप थोड़ा सीधा लिखेंगे तो अच्छा सा बनेगा ये। अब इसको आप मिला दीजिए, और इस तरह से जब आप इसको मिला देंगे, देखिए ये एक बक्सा जैसे बन जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि सिल्ली की माप जो है 10 दी है, 4 दी है, 1.6 दी है। यहाँ से आप अनुमान लगाओ कि सबसे बड़ी माप कौन होगी, सबसे बड़ी माप लंबाई होगी, तो मतलब ये 10 होगी। यहाँ पर कह नहीं रहा कि लंबाई 10 है, लेकिन आप खुद से कॉमन सेंस लगा लोगे। 4 सेंटीमीटर दी है, तो 4 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा, चौड़ाई होगा। आप इसको चौड़ाई को क्या लिख लेंगे, 4 सेंटीमीटर। और अगर ऊंचाई की बात करें यहाँ पर, तो ऊंचाई भी आप इसमें मान सकते हैं, जैसे ये ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पर चौड़ाई, अभी कंफर्म कर देते हैं, देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपका 3 भुजाएं मिल गई, जिसमें लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, और ये क्या हो गया, आपका चौड़ाई हो गया। अगर इसको हम इसमें से स्पष्ट कर दें, यहाँ से ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा स्पष्ट हो जाएगा। देखिए साथियों, लंबाई का मतलब ये हो गया, ये क्या हो गया, लंबाई हो गया इसका। अगर ऊंचाई की बात करें, तो ऊंचाई मतलब क्या होगा, ये क्या है, ऊंचाई है। अगर चौड़ाई की बात करें, तो चौड़ाई का मतलब ये साइड, ये समझ गए ना। तो ये किसी भी 3D शेप में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मतलब हो गया, ये लंबाई हो गया, ऊंचाई मतलब ये परपेंडिकुलर सीधा, और चौड़ाई मतलब इधर साइड को, यहाँ से इधर को चलें, ठीक। अब ध्यान देना, अब क्या करेंगे, इस बर्फ के टुकड़े का आप आयतन निकाल लेंगे, ठीक ना। लिख लीजिए आयतन बराबर दी हुई आयताकार सिल्ली का आयतन, आप ऐसे लिख लेंगे, दी हुई आयताकार सिल्ली का आयतन। देखिए बातों को सुनिए भी, हम लिखे या ना लिखे, आप लिखिए सही सही जो बोल रहे। दी हुई आयताकार सिल्ली का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक। लेंथ गुणे ब्रॉथ गुणे हाइट आप कर देंगे, यानी कि एल वी एच, ठीक, एल इंटू वी इंटू एच। तो लेंथ 10 है, वी देखेंगे यानी कि अगर आप चौड़ाई देखेंगे तो 4 है, और ऊंचाई देखेंगे 1.6 है। इस तरह से आप क्या पा जाएंगे यहाँ पर, 10 चौक 40, और 16 से गुणा कर देंगे 64, 640 हो जाएगा। एक अंक पर पॉइंट लग जाएगा, मतलब कितना आ गया, 64 आ गया, कितना आ गया, 64 आ गया। लेकिन अभी हमें करना क्या था, कह रहा कि बताइए इस नई सिल्ली की भुजा की माप कितनी होगी। अभी तो जो हमने किया कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो मेन बचा ही है। तो क्या करेंगे, इतना बना लिए होंगे आप, तो हम मिटा दें इसको, आप साइड में बना लेना, यहाँ जगह कम है, इस वजह से ज़्यादा हम इसको विस्तार नहीं कर रहे, ठीक। पहले चित्र को बना लेना, चित्र को बनाने के बाद इन बातों को लिख लेना। इसको लिखने के बाद नीचे लिखोगे क्या, यदि दी गई घनाकार सिल्ली की भुजा x सेंटीमीटर हो, या फिर आप मान भी सकते हैं, ठीक ना। लिखिए यदि दी गई घनाकार, घनाकार मतलब घन के आकार की, जैसे अभी बना के दिखाया था, सिल्ली की भुजा x सेंटीमीटर हो, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हो क्या होगा, आयतन बराबर हो जाएगा भुजा का क्यूब, मतलब x का क्यूब। और हम जानते हैं इस दी गई भुजाओं के आधार पर जो आयतन आया है वो 64 सेंटीमीटर आया है। यहाँ पर आप ला करके 64 रख दोगे, इक्वल x का क्यूब हो जाएगा। इधर साइड से क्यूब हटेगा, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, इस पे 64 इंटू एक्स निकाल लोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 8 बराबर एक्स। इस तरह से आप क्या पाओगे, 8 आ गया ना। लेकिन अभी यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ये अगर क्यूब निकालोगे तो इसका 8 नहीं आएगा,
आप जानते हो कि अगर क्यूब निकालोगे तो तीन तीन के जोड़े बनते हैं, है ना, तीन तीन के जोड़े बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 चौका 64, ये 4 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा, यक्स का मान 4 सेंटीमीटर आएगा। अगर वर्गमूल की बात करते तो 8 आ जाता। बात समझ गए ना, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए अभी हमने 8 लिख दिया था ना, 8 नहीं होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई ना इतना। और क्यूब अगर निकालना नहीं आता तो कमेंट करना, बता देंगे, चूंकि इसके पहले बहुत अच्छे से आपको समझा चुके हैं, ठीक ना। देखिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा सा है, लेकिन इसका अगर आप मतलब समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। मतलब समझने की कोशिश करना क्वेश्चन क्या है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी मीटिंग होती है अपने यहाँ, नेताओं की भी होती है, आम इंसानों की भी होती है, तो उसमें कहीं किसी कमरे में बैठ करके या किसी हाल में बैठ करके मीटिंग करते हैं, है ना, मतलब बातचीत करते हैं, मतलब पंचायत करते हैं। तो उसी तरह सा कुछ यहाँ पर माहौल है। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसे मतलब एक ऐसे घनाकार समकक्ष का निर्माण किया जाना है जिसमें कुल 125 लोग एक साथ में बैठ कर के परिचर्चा कर सकें, परिचर्चा कर सकें मतलब वही बातचीत कर सकें। एक ऐसा समकक्ष बनाना है जिसमें एक साथ में 125 लोग बैठ जाएं और वहां पर बातचीत कर सकें, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। कह रहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए कम से कम 1.728 घन मीटर वायु की ज़रूरत है, यानी कि वायु क्या है, आवश्यक है। तो बताइए इस सभा कक्ष की भीतरी भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसकी माप कितनी होनी चाहिए। कहने का मतलब 125 लोग रहेंगे तो उनके हिसाब से हर एक व्यक्ति को 1.728 घन मीटर वायु चाहिए, यानी इतना क्षेत्रफल कमरे का होना चाहिए कि उतनी वायु हर एक व्यक्ति को मिल सके। ये नहीं कि सबको एक में सटा के बंद कर दो चारों तरफ से, बीच में सांस लेने की भी जगह ना रहे, तो कुछ ऐसा ही बनाना है। अगर आप इसको सामान्य तौर पर सोचने लगेंगे वैसे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसमें करना क्या है आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर घन और घनाभ की बात हो रही है ना, तो इस तरह के सवालों में अक्सर क्या करते हैं हम लोग, आयतन निकालते हैं। पहले इसको विस्तार से लिखिए, जैसे आपके DLED की परीक्षा में लिखना है आपको, इसमें कोई ट्रिक और शॉर्टकट नहीं लगाना है। सबसे पहले लिखेंगे सभा कक्ष में बैठने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जल्दी कमेंट करके बताओ कितनी है। सभा कक्ष में बैठने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्ति बराबर कितना है, 125। आप लोग सही से लिख लेना, बात सुनने की कोशिश करना, पहले समझ लेना, बाद में छाप लेना, कहीं जाएगा नहीं, भागेगा नहीं, दोबारा फिर देख लेना, कुछ छूट जाएगा वीडियो को पीछे करके फिर से देखना, नहीं समझ में आएगा, एक बार ख़त्म हो जाएगा, फिर से देखिए, दो बार देखिए, पाँच बार देखिए, ये ऑनलाइन क्लास है, कहीं जाएगी नहीं, ठीक। तो ये हो गया, आगे क्या कह रहा है, कह रहा कि एक साथ बैठ करके परिचर्चा कर सके, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य की नियत से क्या होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को कम से कम 1.728 घन मीटर की वायु चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। लिखिए अगली लाइन में, लिखिए इसमें, अतः समकक्ष का भीतरी आयतन, अतः समकक्ष का भीतरी आयतन, भीतरी आयतन। देखिए यहाँ पर हम कहीं कहीं समकक्ष लिख रहे हैं, सभा कक्ष, आप यहाँ पर समकक्ष ही लिखिए हर जगह, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब दोनों का एक होता है, ठीक। भीतरी आयतन कितना हो जाएगा, जितने व्यक्तियों की संख्या है, कुल जितने व्यक्ति बैठे हैं और जितनी उनको वायु चाहिए, उसका आप कर लेंगे गुणा, ये क्या हो जाएगा, इसका भीतरी आयतन हो जाएगा। इस तरह से जब आप गुणा करेंगे, आप गुणा करके देख लीजिए, तो लगभग में नहीं पूरा कन्फर्म कितना आएगा, ये 216 आएगा, है ना, कर लीजिए। दो अंक पर दशमलव लगा है, दशमलव अगर लगाएंगे तो 216 के आसपास ही आ जाएगा। इतना हो गया, अभी आप पहले इसको इतना लिखिए, अभी कोई टेंशन नहीं लेना, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक ना, हो गया इतना, चलिए ठीक है। इसमें लिख दीजिए घन मीटर, क्या हो जाएगा, घन मीटर, ये इतना हो गया। अब आगे क्या करेंगे, आगे इधर साइड तो जगह है नहीं, उसको आप पढ़ लिए होंगे ना, तो वहाँ मिटाएंगे, फिर साइड में हम इसको लगाएंगे, दाहिनी साइड, ध्यान देना, सभी मैसेज को पढ़ चुके हैं ना। PVR स्टडी को फेसबुक पर लाइक करके फॉलो करें, जिससे कि आप वहाँ पर उपलब्ध फ्री की क्लास को देख सकें, क्योंकि यूट्यूब पर कुछ क्लास गायब हो जाती हैं जो कि आप नहीं देख पाते हैं, है ना।
तो इस बात को समझिए और कोशिश ज़रूर करिएगा जो हमने कहा करने को। लाइट भी चली गई है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको। लिखिए अगला इसके आगे, यदि घनाकार सभाकक्ष, यदि घनाकार सभाकक्ष की भीतरी भुजा की माप, सभाकक्ष की भीतरी भुजा की माप, इधर दिख रहा है ना, यक्स मीटर हो तो बताइए कितना होगा। अगर भुजा यक्स मीटर होगी तो आयतन क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हो एक्स का क्यूब हो जाएगा, मतलब यक्स इंटू यक्स, इसको आप इस्माल में लिख लीजिए या फिर सीधा सीधा एक ही साथ में लिख दें एक्स का क्यूब। नहीं, कुछ लोगों को गड़बड़ लगेगा, ये लो मैंने लिख दिया। इक्वल हो जाएगा ये कितना, ये जो आयतन आया था ना, रियल वाला आयतन जो आपने भुजा रख के निकाला था, 125, इसका आप गुणा करेंगे किस में, 1.728 में। इस तरह से ये यक्स का क्यूब इक्वल हो जाएगा 125 इंटू 1.728। आप क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, यक्स बराबर इसका आप अंडर रूट मतलब क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो 125 इंटू 1.728। यहाँ पर 125 का क्यूब आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आप जानते हैं कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। चलिए पहले इसको तोड़ लेते हैं, ये लो आसानी हो जाएगी। देखिए जितना ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या किया हमने, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, एक में अंडर रूट लगा था ना, अब तो आसानी हो जाएगी। इसका गुणनखंड कर लोगे, आप जानते हो इसका 5 आएगा, हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, आप कर लोगे ना, वर्गमूल करना घनमूल करना आपको आता है। लेकिन इसकी समस्या होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1728, दशमलव हटेगा, नीचे हो जाएगा 1000, है ना। 1728 आप जानते हो कि इसका क्यूब है, ये किसका घन, इसका घनमूल क्या आएगा, निकाल करके आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा इसका घनमूल। और आप सभी लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। कितना होगा, 12 होगा ना, कितना आएगा, 12। तो इस तरह से ये हो जाएगा यक्स इक्वल 5 इंटू, ये हो जाएगा 1728 का 12, 1000 का हो जाएगा 10। ये इतना हो गया फाइनल, काट फिर दीजिए जो है, 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10, 2 से काट देंगे तो 2 छंग 12, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर। यानी कि जो उस सभा कक्ष का भीतरी भुजा होगी वो कम से कम 6 मीटर चौड़ी होनी चाहिए। अगर 6 मीटर चौड़ी से कम रहेगी तो हर एक व्यक्ति को 1.728 घन मीटर की वायु नहीं मिल पाएगी। बात समझ में आई ना, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, छाप लीजिए। लिखने के लिए वीडियो को स्क्रीन पर टच करके रोक लें, उसके बाद लिखें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आसानी होगी, ठीक ना। और बाकी वीडियो को आप दोबारा फिर देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं करना, बाद में आप इसे देख पाएंगे, कहीं जाएगा नहीं, इसलिए डाउनलोड ना करें, ऑनलाइन ही देखें। इधर साइड में देखिए, दाहिनी साइड में एक और भी क्वेश्चंस है जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन समझने लायक है। ये कह रहा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपसे परीक्षा में बहुत तरह के सवाल आते हैं, सिर्फ लगाने के लिए हल करने के लिए ही नहीं आते हैं, उतने ही नंबर मिलते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति और सही गलत वालों में भी काफ़ी नंबर मिलते हैं, और वो बहुत आसान भी होता है। देखिए इधर है क्यूब रूट 5832 यानी कि 5832, उसके बगल में जो गुड़ा में है वो भी क्यूब रूट में है 15625। उधर साइड में अगर आप गौर से देखिए, हमने आपको रटाया था कि भैया बाबू आप लोग 40 तक का क्यूब याद कर लो और वर्ग याद कर लो, है ना। लेकिन कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने सोचा फालतू के बकैती बता रहे हैं, काहे सुने हम इनकी बात, है ना। तो नहीं सुने तो वो जाने उनका काम, जो लोगों ने याद किया उनको मालूम होगा कि 18 का जो क्यूब होता है वो 5832 होता है। 18 गुणा 18 गुणा 18, ऐसे 3 बार गुणा कर लेना कैलकुलेटर मोबाइल मिला करके, तो आपको ये मिल जाएगा। और उसी तरह से अगर आप 25 को 3 बार गुणा करोगे तो 25 हम में 625, और फिर से गुणा करोगे 25 से तो 15625 आ जाएगा। तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि जैसे आप 5832 को 18 का क्यूब लिख सकते हैं, ये देखो लिखा है, उसी तरह इसमें जो भरेंगे वो क्या होगा, वो 25 होगा, यानी कि इसी का क्यूब होगा 15625 का।
तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। देखिए हमने कोई चीज़ हल किया नहीं किया, कोई जादू मंत्र लगाया कुछ नहीं किया ना, लेकिन आपको पहले बता दिया था शुरू में कि आपको क्लास देखने से पहले क्यूब और वर्ग को याद कर लेना है। अगर नहीं याद करें हैं तो मोबाइल से गुणा करके बना लीजिए और रट लीजिए उसको एक प्रकार से समझ समझ के। बाकी और क्या कहें अब, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है, क्या कह रहा है ये ध्यान से देखना। ये सभी सवाल थोड़े से मतलब दिमाग लगाने वाले हैं, मुश्किल नहीं है। आप DL Ed 4 सेमेस्टर करने वाले हैं, मास्टर बनने वाले हैं, रेडी हो चुके हैं, तो आप लोग ये सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक पेटी में 512 सेब घन के रूप में रखे गए हैं। कितने एप्पल हैं, 512 एप्पल हैं घन के रूप में रखे गए हैं। पेटी बक्सा आप सभी लोग जानते होंगे, टोकरी देखे होंगे फल की, हती आयताकार होती है ना, उसमें कोई भी चीज़ रखेंगे कैसे रखते हैं, एक लाइन से पहले रख देंगे सेब, फिर दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में, फिर उसके ऊपर ऐसे रखते हैं ना, सभी लोग जानते होंगे, आप समझदार हैं, तो उस तरह से रखे गए हैं। तो कह रहा कि ज्ञात कीजिए पेटी में सेबों की कितनी तहे हैं। तहे मतलब जान रहे परत, यानी कि इतना परत में रखा गया। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं, ये मान लीजिए इंक को एप्पल मान लीजिए, तो ये अगर रखा जाएगा तो क्या, पहले ऐसे ऐसे लाइन से रख देंगे, इसके बगल फिर एक बगल ऐसे ऐसे, फिर क्या करेंगे इसके ऊपर एक रखेंगे, है ना, तो ये क्या हो गई, दो तहे हो गई, मतलब दो परत हो गई, एक ये नीचे वाला एक ऊपर वाला, फिर इसके ऊपर इस तरह से कह रहा कितनी तहें बनेंगी। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इसमें मान लीजिए, मानना मैथ में बहुत बड़ी बात होती है ना, लिखिए माना पेटी में सेबों की तहें इक्वल एक्स, क्या लिखेंगे, सेबों की मतलब एप्पल्स, सेबों लिख लीजिएगा आप लोग, की तहें इक्वल एक्स। फिर क्या करेंगे, बोल रहा है कि यदि पेटी में कुल 512 सेब रखे गए हैं, अब नीचे आप लिख सकते हैं एक लाइन, पेटी में 512 सेब घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, अतः घन का आयतन बराबर, लिखिए, अब हम नहीं लिखेंगे, लिखिए पेटी में 512 सेब घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, अतः घन का आयतन बराबर। अब हम आयतन से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आयतन बराबर आप जानते हैं घन का भुजा का घात 3 होता है ना, और भुजा मतलब हमने जो माना अभी एक्स यानी तहें, वही क्या है, भुजा है, तो ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। आयतन बराबर भुजा का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, और रियल में आयतन होता क्या है, आपको दिया भी तो गया है कुल 512 सेब जो हैं वो घन के रूप में सजा कर रखे गए हैं, मतलब एक प्रकार से आपको ये आयतन भी दिया गया है ना, तो आप इस पे रख देंगे क्या, 512 इक्वल एक्स का क्यूब, उधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट निकल जाएगा, 512 का क्यूब निकाल लेंगे, ये आ जाएगा क्या, 8 8 64 8 512। अब आप समझ गए होंगे कि पेटी में कितने तहें हैं, 8 तहें थी, 8 तहों का मतलब आप समझ गए कि नहीं। ये देखो जैसे अभी मैंने बताया था, लगभग लोग जान गए होंगे, ये देखिए हमने बताया था ये दो तहें हो गई, एक और लगा दिया देखो 3 तहें हो गई, ऐसे ऐसे कितनी होंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक ना। और हम 8 यहाँ पर आपको नहीं करके दिखा सकते, नहीं सब गिर जाएगा नीचे अभी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने 3-4 सवाल लगा दिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सब लगा देंगे और आप ऐसे छापते चले जाओगे, तो ऐसा है नहीं, ठीक ना। अब आप होमवर्क लिखिए, इसको खुद से करेंगे, अभी हम फिर सवाल बताएंगे, लेकिन अब इसको खुद से करेंगे। जैसे हमने सेब वाला बताया था वैसे आप संदूक वाला करेंगे। एक संदूक में चाक के डिब्बे रखे गए हैं, घन के रूप में रखे गए हैं, जैसे हमने कहा था सेब वाला, है ना, सेम वैसे वैसे है। यदि कुल डिब्बों की संख्या जो है 27-44 है, तो कह रहा कि फिर डिब्बों की कुल कितने तहें होंगी। अब तहें मतलब आप जानते हो, अपना बताएंगे, ठीक ना, समझ रहे हो ना, तो इसको खुद से कर लेना। ऑप्शन दिए गए हैं इनमें, हम आपको राइट ऑप्शन बता दे रहे हैं, इसका उत्तर 14 आएगा, 14 आएगा, निकाल के देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा अगर अच्छी तरीके से हल करोगे तब। अगला क्वेश्चन नोट करिए, तुरंत करिए, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, अब आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, वर्ड के बारे में समझ लीजिए, कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन मतलब जिसमें गाय भैंस का गोबर डाला जाता है और उसमें उनका बचा खुचा चारा घास पत्ती डाल करके गांव में क्या करते हैं, शहर में तो लोग बनाते नहीं, बहुत
अच्छे इंसान होते हैं जो कि भले दूषित पर दूषित चीज़ खा लेंगे लेकिन अच्छा काम नहीं करते हैं, तो जगह भी नहीं होती है। उसमें क्या करते हैं, गड्ढा खोदा जाता है, उसमें जितना भी गोबर होता है गाय भैंस का उसमें डालते हैं, उसमें कूड़ा करकट मतलब जो भी मतलब चारा वगैरह जो होता है उसको डालते हैं, कूड़ा मिट्टी नहीं डालते हैं, तो वो उसको ढक देते हैं। फिर कुछ दिन बाद सड़ करके वो एकदम से क्या बन जाता है, खाद बन जाती है, जो कि खेतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बाकी जो हमारी ये यूरिया उर्वरक आती है रासायनिक, ये खेतों की जो है उनका जान निकाल लेती है। फिर खेत धीरे धीरे क्या होते हैं, बंजर हो जाते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं होता है। तो मतलब समझ गए कंपोस्ट खाद क्या होती है, कंपोस्ट खाद का गड्ढा क्या होता है, समझ गए ना। आप देखिए, कह रहा है इसका आयतन दिया है 13.824 मीटर, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। अब वो गड्ढा कितना गहरा खोदा गया है कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मानेंगे, माना गड्ढे की गहराई, लिखिए माना गड्ढे की गहराई इक्वल यक्स मीटर। ठीक, आगे क्या करेंगे, देखो इसमें आयतन दिया गया पहले से है ना, आप क्या लिखेंगे, आयतन बराबर, आप पूरा लिखना, हम पूरा नहीं लिख रहे, गड्ढे का आयतन बराबर कितना है 13.824 मीटर। बात समझ में आई, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो घनाकार किसी भी आकृति या किसी भी डिब्बे या किसी चीज़ का अगर आयतन निकालते हैं तो वो क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो आप क्या करोगे, इसमें आयतन बराबर जो हमने गड्ढे की गहराई माना है वही हमारी क्या है, भुजा भी है। तो ये आप जानते हो आयतन बराबर एक्स का क्यूब होता है, प्रश्नानुसार चाहे लिख लीजिएगा बीच में, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा 13.824, इतना आ जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे आप, यक्स का क्यूब, ये 13.824 हो जाएगा, 3 डिजिट पे पॉइंट था हटेगा, नीचे 1000 हो जाएगा। लास्ट में फाइनल में क्या करेंगे, इसका इधर से क्यूब हट करके ये इसका क्या निकलेगा, क्यूब रूट निकल जाएगा, घनमूल निकल जाएगा। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बहुत बार बता चुके हैं आपको, यहाँ पर हम वर्गमूल और घनमूल बिल्कुल ना बताएंगे। ये 13,824 जो है वो क्या है मालूम है, ये 24 का क्या है, ये 24 का घनमूल है, मतलब इसका घनमूल क्या होगा, 24 होगा, ये 24 का घन है, 24 का घन का मतलब जान रहे हो, अगर 24 का क्यूब करोगे तो ये 13,824 आएगा। ठीक, और जो 1000 है, 1000 इसका घनमूल निकालेंगे तो 10 आएगा, 10 धाम्मा 100 धाम्मा 1000। ठीक, फाइनल में हमें भुजा की गड्ढे की गहराई निकालना था ना, गड्ढे की गहराई, तो इसको दशमलव में चेंज कर लोगे, 2.4 मीटर होगी, यानी वो गड्ढा लगभग 2.5 मीटर गहरा है। बात समझ में आई ना, तो अब आप इसको समझ गए होंगे, जल्दी से छाप लीजिए, लिख लीजिए, और लिखने के चक्कर में समझना वाला मत छोड़िएगा, पहले समझ लीजिए बाद में लिखिएगा। कुछ लोग आँख बंद करके केवल छापते हैं जल्दी जल्दी, बस बाद में इसको लिख लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके आप लिख सकते हो, बार बार देख सकते हो, ये क्लास कहीं जाने वाली नहीं है, ठीक ना, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप हर दिन देख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा क्या 20, 97, 152 ये पूर्ण घन संख्या है कि नहीं, इसको पढ़ेंगे क्या पहले ये देखना, यहाँ से मिलाओगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख, तो क्या पढ़ेंगे 20,97,152, इंग्लिश में बोलेंगे तो बड़े ही प्यार से 20,97,152। क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, परफेक्ट क्यूब के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का घात 3, अगर हमने लिखा 64, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का घात 4, ओ सॉरी 4 नहीं 3, मतलब 4 चौक 16 चौका 64। लेकिन अगर हमने लिखा 50, तो क्या 50 को कोई ऐसा नंबर है जिसकी 3 घात लगा सकते हैं, नहीं। इसका मतलब ये सभी परफेक्ट क्यूब हैं, जिनका परफेक्ट क्यूब मतलब इनका क्यूब निकल जाएगा आसानी से, और इनका क्यूब नहीं निकलेगा, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉन परफेक्ट है ना, बात समझ में आई ना, मतलब समझना हिंदी भाषा में। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालना है, तीन तीन के जोड़े बनाने हैं, और फिर अपना दिमाग लगा के बताना है कि ये पूर्ण घन है कि नहीं है। अगर इनके जोड़े सही सलामत बन जाएंगे सभी के, कोई अकेला ना बचेगा,
तो पूर्ण घन होगी। और अगर नहीं बचे, मतलब बच गया कोई अकेला, खुदा ना खास्ता किसी की किस्मत ही खराब है, तो क्या होगा? पूर्ण घन नहीं होगा। करके देखना, ये होमवर्क होगा, अब हम सब नहीं बताने वाले हैं, लेकिन हाँ एक बात और ध्यान देना, आंसर बता दे रहे हैं। ये पूर्ण घन होगी, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बता दिया तो मत करना, गुणनखंड करना अगर सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप बड़े हो चुके हैं, समझदार हैं, ठीक ना? तो इसका गुणनखंड कर लेना। और आपको बता दें, चलते चलते आज की ये क्लास जो है यहीं पर ख़त्म हो चुकी है। अभी जस्ट 2 मिनट बाद आपकी क्लास शुरू होगी DLED का, सेकेंड सेमेस्टर, 6:30 बजे से। उसको भी देखना, अगर आपके काम की है तो बेसिक ही होगी, अगर आपने ज्वाइन किया तो हो सकता है आप सब देख पाएँ, और नहीं किया तो हो सकता है आपको अगली क्लास ना मिले। ये नहीं कंफर्म कि आज आप देख रहे हो कल भी मिलेगी, इसलिए अगर डेली देखना है, आपने आधा घंटा देखा, आपको सब समझ में आया होगा, कुछ भी परसेंट आया होगा, तो आप रेगुलर देखेंगे तो सब कुछ आएगा, ठीक ना? उसके लिए आपको ज्वाइन करना होता है। ज्वाइन करने के लिए बस वही पुराना तरीका है, ये व्हाट्सएप नंबर है जो कि हज़ारों लोगों के फ़ोन और दिलों में सेव है, आप भी कर लीजिएगा। ये व्हाट्सएप का भी नंबर है, फ़ोन पे का भी नंबर है, गूगल पे का भी नंबर है, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हाइक, कहीं भी हमें आप इस नंबर से खोज सकते हैं। एक चैनल एक नंबर, ठीक ना? मतलब इस पर, इस नंबर पे आप पेमेंट भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हैं। और आपको बता दें, DLED का अगर पूरा कंप्लीट कोर्स आप चाहते हैं तो इसके लिए ₹549 का पेमेंट करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन का ऑफ़र है, 28, 29 और 30 को भी देखिए, हो सकता है रहेगा पूरा दिन। तो आप 549 में DLED का 4 सेमेस्टर पूरा कर लेंगे, अगर 30 सितंबर तक पूरा कर देंगे पेमेंट तो। अगर आपका पेमेंट अक्टूबर में जाता है तो इसके लिए आपको पूरा कंप्लीट कोर्स ₹699 का पेमेंट करना पड़ सकता है। अभी हम आपको कंफर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि बढ़ेगा ये ज़रूर। और ऐसा क्यों हो रहा है, आप ज़रा अनुमान लगाइए। कहीं ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, हर दिन ₹10 किराया दे के जाएंगे और आएंगे ना, तो ₹20 डेली किराया हो जाएगा, महीने का 600 हो जाएगा लगभग, उसमें 4 संडे निकाल दोगे तब भी 500 के आसपास हो जाएगा, है ना? बाकी वहाँ जो फीस दोगे वो अलग से मुफ्त में जाएगी। तो भाई अगर समझ में आए तो बात कर लीजिए, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। बहुत सारी क्लास यहाँ पर आपको फ्री में भी मिलेगी, मुफ्त में भी मिलेगी। देखते रहिए और दो लोगों को दिखाते भी रहिए। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। अगर आपको नहीं समझ में आई क्लास तो 0 लेवल देखिए, बच्चों वाली क्लास, कक्षा 1 से। बस जस्ट लौट के आइए तुरंत।